हेलो नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त प्रहलाद सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेप फिल्म्स न्यूज़। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों नमस्कार, आप सभी PSL इन्वेस्टर्स का और मेरे चैनल को देखने वाले सभी व्यूवर्स को स्वागत है। मैं आपको खबर बताने जा रहा हूं जो 26 फरवरी को मुंबई के अंदर सेबी के हेड ऑफिस पर लाखों निवेश के पहुंचने के बाद जो सेबी के हाथ पांव फूले हैं और उन्होंने क्या अपनी वेबसाइट पर डाला है और क्या क्या है और क्या हुआ है, ये सारे कारनामे होने के बाद सेबी के ऑफिस पर जब लाखों निवेशक पहुंच गए तो ये देखे सेबी के हाथ पांव कैसे फूल गए। और सेबी ने सोचा यदि ज़्यादा हंगामा हुआ तो लेने के देने पड़ सकते। और देखिए सेबी चेयरमैन मीट ग्रुप ऑफ PSL इन्वेस्टर, सेबी के चेयरमैन PSL ग्रुप के इन्वेस्टर से मिले हैं और साथ ही साथ जो जनलोक प्रतिष्ठान के मुख्य अधिकारी थे और जो अन्य संस्थानों के मुख्य अधिकारी थे और जो मैन लोग थे जिनके नेतृत्व में ये धरना दिया जा रहा था, उन सभी लोगों से सेबी के चेयरमैन मिले हैं और पूरा विश्वास दिला है कि उनको पैसा वापस किया जाएगा और प्रोसीजर धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाएगा। ये सेबी के ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पे आप खुद भी देख सकते हो, sebi.com करके भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये 26 फरवरी 2018 को सेबी ने अपनी वेबसाइट पर पब्लिक नोटिस दिया है और इसमें आप देख सकते हो ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स ऑफ PSL अंडर द बैनर ऑफ जनलोक प्रतिष्ठान मेट चेयरमैन सेबी एंड अदर सीनियर सेबी ऑफिशियल एट सेबी हेड ऑफिस टुडे। इनका कहने का मतलब है कि PSL के इन्वेस्टर्स जो जनलोक प्रतिष्ठान के अंतर्गत आ रहे थे यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए, उनसे सेबी के चेयरमैन मिले जो सीनियर सेबी के ऑफिशियल चेयरमैन या ऑफिशियल ऑफिसर अपने हेड ऑफिस पर मुलाकात की और उनकी सारी बातें सुनी गई है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि बैठकर बातचीत हुई है जो भी धरना दे रहे थे और पूरा विश्वास दिलाया है कि हम प्रोसीजर जल्दी जल्दी आगे बढ़ाएंगे और प्रॉपर्टी को जल्दी बेच करके सभी का पैसा देने की कोशिश करेंगे। इस तरह की पूरी बात हुई है मगर अभी असमंजस में है, क्लियर नहीं हो पाया है कि कब तक क्या होने वाला है। इसमें मैं आपको और पढ़ के बता रहा हूँ, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाइड ऑर्डर डेट्स 2/2/16 जो 2 फरवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था। कमेटी बनाई गई थी चेयरमैनशिप के अंडर में, RM लोडा कमेटी जो तैयार की गई थी प्रॉपर्टी PSL लिमिटेड को बेचने के लिए और उन्हीं के द्वारा पैसा देने के लिए, उसी के बारे में ये बात कही गई है कि उस कमेटी के द्वारा कार्य प्रगति पर है और हम और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और जल्दी सभी के प्रॉब्लम सॉल्व आउट होगी। ये आप पढ़ सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था 2 फरवरी 2016 की बात कर रहा है सेबी और कोशिश कर रहा है कि सेबी अपनी सभी जितने भी आस लगाकर बैठे हुए हैं इन्वेस्टर्स उन सभी का पैसा जल्दी से जल्दी लौटाए, ऐसा बात कर रहा है। और 2500 रुपये तक जो प्रिंसिपल अमाउंट रखा गया था उसको भी जल्दी प्रोसेस में लाने की कोशिश कर रहा है। पूरा आश्वासन दिया है कि 2500 रुपये तक के जो आवेदन मांगे गए थे तो उनको रिटर्न करने की प्रक्रिया अब शुरू कर दी जाएगी। तो दोस्तों अभी तक यदि आपने 2500 रुपये वाला आवेदन नहीं किया है तो कृपया करके इस आवेदन को कंप्लीट करें जिसका रह रहा है। और भी बहुत बातें हुई है जो क्लियर अभी खुलकर नहीं है आई है और धरना भी लगातार जारी है, चल रहा है। मुंबई फरवरी 26 फरवरी 2018 की खबर है जो आप सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हो। तो दोस्तों लगातार मुंबई के सेबी हेड ऑफिस पर लाखों निवेशक पहुंचे हैं दूर दराज के गांवों से, जिलों से, और अपने खून पसीने की मेहनत को लेने के लिए लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार के कानों तक भी आवाज़ जा रहे हैं मगर अभी तक कुछ भी अता पता नहीं चल रहा है कि क्या सरकार कोई एक्शन लेना चाह रही है या नहीं लेना चाह रही है, क्यों नहीं लेना चाह रही है, कुछ भी अभी इसकी डिटेल हमारे सामने नहीं आ रही है। मगर हाँ ये ज़रूर है कि सेबी ने हमारे जो जनलोक प्रतिष्ठान के मुख्य अधिकारी थे उन लोगों से बातचीत की है और कुछ न कुछ हल ज़रूर निकलेगा और आप लोगों की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आप इसी तरीके से मेहनत करते रहिए,
आपका पैसा, खून पसीने का पैसा है आपका पैसा, जरूर निकल करके आएगा। तो दोस्तों धरना प्रदर्शन जारी है, अभी देखते हैं कि क्या कोई ठोस कदम उठाती है सेबी और क्या आश्वासन मिलता है और क्या कुछ और इस पैसे में बढ़ोतरी होती है या नहीं होती है, अभी पता चलने वाला है। आप देखते रहिए कि आप अपने YouTube चैनल को। तो दोस्तों यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो नीचे लाल रंग के बटन पर क्लिक करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच मेरी वीडियो देखने के लिए।